हेलो भाई, मेरा नाम है। तो इस वीडियो में आप सीखोगे कि आर में वेव कैसे करते हैं। तो आर में वेव को सीखने के लिए सबसे पहले आप ये डेमो देखें। तो आर में वेव बेसिकली कॉपिंग डांसर का एक फंडामेंटल मूव है और आर्म वेव बेस्ड है वेविंग की टेक्निक पर। और जो ये वेविंग की टेक्निक है वो ली गई है ओशियंस की वेव से। जैसे ओशियंस में वेव्स आती है ठीक वैसे ही हम हमारी बॉडी का यूज करके उस वेव का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। हमारी बॉडी में बोन्स है और इन बोन्स को हम बेंड या ट्विस्ट नहीं कर सकते, ये एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसी होती है और इन्हीं स्ट्रेट लाइन को हम वेव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आर्म वेव में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको आपकी आर्म की हेल्प से वेव का इल्यूजन क्रिएट करना है। आर्म को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसे अच्छे से समझना होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये ब्रेकडाउन देखिए। आर्म को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हमारा पहला पार्ट है आइसोलेट योर बॉडी पार्ट। तो आर्म में हम हमारे आर्म के पार्ट को आइसोलेट करते हैं, मतलब हमारे हैंड में जो जॉइंट है उन जॉइंट की हेल्प से हम हमारे जॉइंट को ऊपर उठाएंगे और बाकी के जो पार्ट होंगे वो बेस लाइन पर होंगे। जो ये बेस लाइन है इसका मतलब है यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। हर मूव में एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पोजीशन होती है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था आइसोलेट करने का। आपको याद रखना है कि आपको एक टाइम पर एक ही जॉइंट को आइसोलेट करना है, एक टाइम पर दो जॉइंट को आइसोलेट नहीं करना है। जब आप एक जॉइंट को आइसोलेट करोगे तो याद रखिए कि जो बाकी के पार्ट्स है वो सभी बेस लाइन पर होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के बारे में जो की है वेविंग और वेग आउट। वेविंग जो है वो हमारी वेव का स्टार्टिंग पोर्शन है और ये जो स्टार्टिंग होती है वेव की और यही इल्यूजन क्रिएट करती है। तो आपको इसे बहुत अच्छे से करना होगा जब आप वेव परफॉर्म करेंगे। और जो हमारी वेव आउट है उसका मतलब है कि जब हम एंडिंग करते हैं तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो वेव इन है वही रिवर्स होता है जब हम वेव आउट करते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है ट्विस्ट। ट्विस्ट वेव इन के बाद होता है। तो जब हम हमारे एल्बो को आइसोलेट करते हैं और जब एल्बो के बाद हम हमारे शोल्डर को आइसोलेट करेंगे तो साथ में जो हमारा एल्बो से लगाकर शोल्डर तक का पोर्शन है उसे हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। ये ट्विस्ट करने से हमारी जो वेव है वो और भी अच्छी दिखती है। बहुत सारे लोग जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये ट्विस्ट नहीं करते, तो आपको याद से ये ट्विस्ट करना है। तो ये हमारे तीन पार्ट थे वेविंग के। ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आप फॉलो करके इजीली वेविंग सीख सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में। तो सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे करते हैं। आर्म वेव को सीखने के लिए आपको ये सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम करेंगे वेविंग, फिर हम करेंगे ट्विस्ट, फिर हम करेंगे चेस्ट पॉप। चेस्ट पॉप ऑप्शनल है क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में चेस्ट पॉप नहीं जाता। यदि आपको चेस्ट पॉप आता है तो आप कर सकते हैं, बट ये बिगिनर के लिए वीडियो बनाया गया है इसलिए हमने चेस्ट पॉप नहीं किया है। तो फिर आपको चेस्ट पॉप के बाद करना है ट्विस्ट और फिर करना है वेव आउट। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम हमारे सबसे पहले सीखते हैं वेविंग कैसे करते हैं। वेविंग में इंक्लूड होगा हमारे फिंगर टिप से रिस्ट तक। आपको अपने हाथों को स्टार्टिंग पोजीशन में रखना होगा। सबसे पहले आपको फिंगर टिप को उठाना है, फिर आपको नकल को बेंड करना है, फिर बेंड, फिर आपके रिस्ट को बेंड करिए। अब आप करते हैं इसे काउंट के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जो ये हमारा फिफ्थ काउंट है वही हमारी एंडिंग है और वही हमारी स्टार्टिंग है। तो आपसे लगातार करेंगे तो एक लूप बन जाएगा और आपको इस तरीके से वेव करना है। अब आप ये देख रहे हैं आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और आपको इस रिजिड मोशन को एक वेव के मोशन में क्रिएट करना है। अब जब आप काउंट के साथ करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितना रिजिड मोशन रिजिड है, एकदम कठोर दिख रहा है। तो आपको इसको फ्लो में लाना है। तो आपको बार प्रैक्टिस करके इस चीज को इस तरीके से फ्लो में लाना होगा और ये हमारा इल्यूजन क्रिएट करेगा जब हम हमारी वेविंग की स्टार्टिंग करेंगे तब। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के बारे में जो कि है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट में इंक्लूड होगा हमारा ब्रिज से शोल्डर तक। अब ब्रिज के बाद आप अपने एल्बो को आइसोलेट करेंगे, फिर शोल्डर को अप करेंगे। जब आप शोल्डर को अप करोगे तब आपको एल्बो को ट्विस्ट भी करना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एल्बो को अप करोगे तब
तब आपको रिस्ट और शोल्डर को बेस लाइन पर ही रखना होगा। तो इसमें इतना ही है, अब आपको चेस्ट पॉप करना है। यदि आपको चेस्ट पॉप आता है तो आप कीजिए, वरना इस वीडियो में जैसा मैंने किया अपने शोल्डर्स को, तब से पहले आपने एक शोल्डर को ऑफ कीजिए और साथ ही उसे डाउन करके दूसरे शोल्डर को ऑफ कीजिए। इस तरीके से शोल्डर को डाउन कीजिए, फिर अगेन आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको वेव आउट करना है। जैसे वेव आउट में हम उल्टा चलेंगे, तो सबसे पहले हम जो हमारे एंडिंग पोजीशन है वहां से चलेंगे, फिर हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी नकल बेंड बेंड बेंड, इस तरीके से आपको एंड करना है। तो ये हमारा रिवर्स है, जैसे कि हम वेव इन में कर रहे थे, आपको वेव आउट में इस टाइप से करना होगा। सबसे पहले अब आपके स्टार्टिंग या एंडिंग जो पोजिशन थी हमारी, हमारी एंडिंग पोजिशन है, फिर हमने वेव को बेंड किया, फिर हमने नकल्स को बेंड किया और फिंगर टिप्स को अप, फिर वही जहाँ पे हमारी स्टार्टिंग पोजिशन थी। ठीक है, तो आपको इसी को फॉलो करते हुए इस तरीके से वेव आउट करना है। आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है तो आप इजीली इस सीक्वेंस को फॉलो करके वेव सीख सकते हो। अब इसे काउंट के साथ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, जो मैंने आपको ये छोटी छोटी चीजें बताई है इनका ध्यान रखे आपको वेव करना है। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में जिससे कि आप आपकी वेव को और भी अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से अपने हाथों को मिलाइए और इस तरीके से रोटेट कीजिए। आपका आर्म रोटेशन करना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब चाहे तो अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं। अपने नकल्स को बेंड करना है आपको इस तरीके से। आपको अपनी नकल्स को बाहर बेंड करना है एक के बाद एक, और फिर वेस्ट को बेंड कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको अपने नकल्स को प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज में आपको आपके शोल्डर को रोटेट करना है इस तरीके से। आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से रोटेट करना है। आपके शोल्डर्स को अप करें डाउन करें, एक शोल्डर को अप करें फिर दूसरे को अप करें फिर डाउन करें, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। आप चाहे तो दोनों शोल्डर को एक साथ अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी ट्विस्ट के लिए है। इसे आपको इस तरीके से अपने हाथों को पकड़िए और आपको आर्म को ट्विस्ट करना है। आपको आपके आर्म को ट्विस्ट करिए इस तरीके से। आपके शोल्डर और एल्बो के पोर्शन को स्ट्रेट रखिए, बाकी के पोर्शन को रोटेट कीजिए। आपको ये अपने दोनों हाथ से करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से। सभी एक्सरसाइज आपको 2-3 मिनट तक करना है। अब बात करते हैं रूटीन के बारे में। तो मैंने आपके लिए एक रूटीन बनाई है जिसे आप फॉलो करके वेव इजीली सीख सकते हो। तो सबसे पहले ये जो रूटीन है समझते हैं। तो हमारे रूटीन का जो हमारा इस वेव में इम्पोर्टेंट जो गोल है वो ये है कि हम 1000 वेव करेंगे। हमारा 1000 आर्म करने का गोल है और इसे मैंने डिवाइड किया है 100 वेव्स में। आपको एक दिन में 100 वेव करनी है और इसी टाइप से आपको 10 दिन तक 200 वेव करके 1000 वेव करनी है। आप यदि इसको फॉलो करोगे तो आपकी जो वेव है वो अच्छी हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 10 वेव करना है, आपको 1 आवर का गेम लेना है, फिर 10 वेव करना है। इस तरीके से आपको 10-10 करते करते आपको पूरी 100 वेव करना होगी। आप चाहो तो जो हमारा वेव काउंट है उसे चेंज कर सकते हो, जो हमारा टाइम है उसे भी चेंज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप चाहो तो जो 10 वेव कर रहे हो उसकी जगह आप 10 या 20 वेव कर सकते हो, और जो हमारा टाइम है उसे भी कम करके आप 30-45 मिनट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो हमारा 10 वेव करके फिर गेम लेके फिर 10 वेव करते हैं उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आप जब पूरे टाइम इसमें इंक्लूड होंगे तो आपका मेंटली और फिजिकली दोनों ही कारण आपको इससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे और साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो आप इस को फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसे फॉलो करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए जब तक आप आरएमएम सीख नहीं जाते। यदि आप हमारे वीडियो से आरएमएम सीख जाते हो तो आपका वीडियो बनाकर मुझे इस नंबर पर सेंड कीजिए और मैं आपका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ताकि जो लोग
आर्म मूव सीखना चाहते हैं वो आपका वीडियो देखकर मोटिवेट हो और वो भी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।